बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में। अभी मैं इसे भाई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन तमाम बंदों के चेहरे के ऊपर एक तमाचा ही समझता हूँ जो अवाम को गुमराह कर रहे थे ये कहकर कि सऊदी अरबिया फ्लाइट्स दोबारा से बंद हो सकती हैं। अभी खतरे की घंटी नहीं टली है, आप जल्दी करें, ये है वो है फ्लाएं टमकाएं। मैं इसके मतलब एक वीडियो शेयर कर चुका हूं। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इस न्यूज़ के मतलब जो रात से आ चुकी है। आप भाई इसके मतलब शायद पहले वीडियो देख चुके हों, लेकिन मैं थोड़ी तफसील के साथ आपके साथ बात शेयर कर दूंगा। जिन बंदों ने सऊदी अरबिया से एक डोज ली हुई थी वैक्सीन की और बाद में छुट्टी के ऊपर चले गया, और वो भी जाहिर सी बात है फ्लैट्स बंद थी तो नहीं आ सके, दोनों डोज वाले आ रहे थे, तो उनके लिए भी सऊदी अरबिया ने अभी ऐलान कर दिया है कि चाहे उन बंदों ने पाकिस्तान में दूसरी डोज ली है या नहीं ली है, ये एक अलहदा से मामला है। एक डोज सऊदी से ली हो बस, तो वो भी 4 दिसंबर से, बात कर रहा हूँ 1 दिसंबर से नहीं, 4 दिसंबर से सऊदी अरबिया में इंटर हो सकेंगे। और उनको मजीद सहूलत ये दी गई है कि उनको सिर्फ 3 दिन का कंटाइन पैकेज करना होगा। अगर 5 दिन का कंटाइन पैकेज आपको पता है जी, आप 1500 में खरीद रहे थे, तो ये 3 दिन का आपको जाहिर सी बात 500-700-800 के अराउंड में मिल जाएगा यार इंशाल्लाह। तो ये एक तो सहूलत उनके लिए अच्छी होगी है जी, वो अपनी टिकट लेकर सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए कंटाइन में रहेंगे, 2 दफा ही पीसीआर टेस्ट होगा उनका भी, उसके बाद वो सऊदी अरबिया में जा सकते हैं और अपनी सेकंड डोज या बूस्टर शॉट वगैरह जो भी अपने टाइम के हिसाब से लगा सकते हैं यहां पर। तो ये एक अच्छी सहूलत दे दी गई है सऊदी गवर्नमेंट।